हाय फ्रेंड, आज हम लोग ब्रिक यानी किडनी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी रेलवे में जितने भी किडनी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उस सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन करने से पहले आइए इसके कुछ डायग्राम को समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला तो क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है, इस डायग्राम से ऐसे दे दे रहा है, यहाँ पर सबका नंबरिंग कर दे रहा है और नंबरिंग करके पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं इसका नंबरिंग कर देगा, ठीक है, जैसे इसको नंबर एक दे दिया, ठीक है, पूछेगा कि नंबर एक में क्या है। तो आपको बता, अगर डायग्राम याद रहेगा तब ना बता पाएंगे कि नंबर एक पे क्या है। तो यहाँ से समझ लीजिए, देखिए जैसे ये दायां सिरा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बायां सिरा होगा। तो हमको पता है कि दो किडनी होती है, ठीक है, ये क्या होता है, दायां किडनी होता है और एक बायां किडनी होता है। ध्यान से समझिएगा, ये दायां किडनी होता है, ये बायां किडनी। किडनी को क्या कहा जाता है, ब्रिक कहा जाता है। किडनी को क्या कहा जाता है, ब्रिक कहा जाता है। और ये जो होता है, यहाँ पर जो नीला कलर देख रहे हैं, इसको सिरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। और इसको जो लाल कलर वाला ये है, इसको धमनी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो नीला वाला है इसको सिरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। जो लाल वाला है इसको धमनी बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, बाएं किडनी से एक नली लगी हुई, बाएं नली यहाँ से क्या लगी हुई, एक नली लगी है, और जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मूत्र वाहिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूत्र वाहिनी। ये दो प्रकार को, इधर देखिए दायां भी है और बायां भी, तो इसको मूत्र वाहिनी बोला जाता है। अगर बायां में है तो माया मूत्र वाहिनी बोला जाएगा, और दाएं एक तरफ रहेगा तो दायां मूत्र वाहिनी बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है, ये मूत्राशय से मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। और मूत्राशय से फिर ये कहाँ बाहर निकल जाता है, मूत्र मार्ग से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसको देखो, यहाँ पर दिया है, लाल वाले को महाधमनी कहा है और इसको वाले को महासिरा कहा है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो इससे क्वेश्चन पूछा है, सिरा। सिरा में कैसा पूछेगा कि सिरा में किस प्रकार का जो रक्त है बहता है, तो सिरा हमेशा में खराब खून बहता है। कैसा बनता है, अशुद्ध रक्त। जो सिरा होता है दोस्तों, उसमें अशुद्ध रक्त भागता है। यही क्वेश्चन पहला पूछा है कि सिरा में किस प्रकार खून बहता है, तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और पूछेगा धमनी में किस प्रकार का बहता है, तो धमनी में जो होता है वो शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब ये अशुद्ध रक्त मतलब समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, CO2 मिक्स होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा। ठीक है, तो अशुद्ध कौन हो जाएगा, अशुद्ध में कौन आ जाएगा, सिरा। तो ऐसे भी इसको याद कर लिए, हमारा जो सिर है यानी सिरा, हमेशा क्या होता है, ख़राब होता है। हमारा मूड हमेशा क्या हो रहा था, ख़राब रहता है। ठीक है, हमारा मूड कैसे रहता है, हमेशा ख़राब रहता है, नहीं हमारा सिर क्या रहता है, हमेशा ख़राब रहता। सिरा में कैसा खून बहेगा, अशुद्ध बहेगा, तो धमनी में कैसा बनेगा, शुद्ध बहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि मूत्राशय से, ठीक है, एक ब्रिक से मूत्राशय के जोड़ने वाली नली को क्या कहा जाता है। देखिए ये हमारा हो गया ब्रिक, ब्रिक से जो ये नली जोड़ा जा रहा है, इस नली को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस नली को मूत्र वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूत्र वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनका सही क्रम बताना। तो देखिए पहले हमारा ब्रिक होगा, फिर मूत्र वाहिनी होगा, फिर मूत्राशय होगा, फिर हमारा क्या होगा, मूत्र मार्ग हुआ। यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायग्राम अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसको हमने बहुत कम शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन ऊपर हम समझा चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि ब्रिक किडनी से मूत्राशय को जोड़ने वाली नली क्या कहलाता है, मूत्र वाहिनी कहलाता है। ठीक है, यानी ब्रिक किडनी से मूत्राशय को जोड़ने वाली नली क्या कहलाता है, मूत्र वाहिनी कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, गलती मत कीजिए, डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, यानी ब्रिक से यहाँ पर मूत्राशय को जो नली जोड़ रही है, इसको क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। अगर बाएँ साइड पर है तो बायां मूत्र वाहिनी, अगर दाएँ साइड पर है तो दायां मूत्र वाहिनी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है कि दिया इसे दिया रहेगा मूत्राशय, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग और किडनी का सही क्रम बताना। किडनी यानी ब्रिक का सही क्रम। तो ऊपर हम बताएं दोस्तों, पहले पहले क्या होगा, ब्रिक होगा, इसी से क्या जुड़ा होगा दोस्तों, मूत्र वाहिनी। कहाँ जुड़ा होगा, मूत्राशय। और मूत्राशय से मूत्र मार्ग होते हुए क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से इसका क्रम देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले पहले क्या है, हमारा ब्रिक यानी किडनी है, इससे क्या जुड़ा है, मूत्र वाहिनी जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है, मूत्राशय में जुड़ा है। और मूत्राशय से कहाँ निकल जाता है, मूत्र मार्ग में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा।
फिर दोस्तों तीसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि अशुद्ध रक्त बहाता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त, तो हमारा अशुद्ध क्या होगा, शीरा, ठीक है, अशुद्ध रक्त किसमें बहाता है, शीरा, अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइयुक्त, ठीक है, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइयुक्त जो हमारा रक्त बहेगा उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त, और किसमें बहाता है, शीरा, शीरा हमारा सिर क्या होता है, हमेशा मूड खराब होता है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और जब शीरा में खराब खून बहेगा तो शुद्ध रक्त किसमें बहेगा, धमनी में, ठीक है, किसमें बहेगा, धमनी में। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा है दोस्तों, नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से कृत्रिम वृक्क द्वारा निकालना क्या कहलाता है, अपोहन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कृत्रिम किडनी द्वारा, यानी कृत्रिम, ये ध्यान रखिए, कृत्रिम वृक्क द्वारा जो नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उसको कौन सा विधि कहते हैं, अपोहन कहते हैं, इसी को इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है, इसी को हिंदी में अपोहन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्तों, फिर से इसको समझ लीजिए, जो कृत्रिम किडनी लगा के क्या करते हैं, उसमें से नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को उसके रुधिर से बाहर निकालते हैं, उसको लोग हम अपोहन विधि कहते हैं या डायलिसिस विधि कहते हैं, ठीक है, या हम क्या कहते हैं, इसको डायलिसिस विधि कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों किडनी यानी वृक्क से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह को वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।